नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबीक्विक एप्लीकेशन से अपना वाटर बिल पेमेंट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मोबीक्विक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और दोस्तों आप जो है मोबीक्विक एप्लीकेशन के माध्यम से अपना वाटर बिल पेमेंट करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता है कि किस तरह से जो है मोबीक्विक एप्लीकेशन से वाटर बिल का पेमेंट किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपना वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम के और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है मोबीक्विक से अपना वाटर बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर जो लोग यहाँ पर जो है नए यूजर है, इसको पहली बार ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। उसके बाद में आपके सामने ये जो है इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक होम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक आल सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर आल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर आल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों अब यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक वाटर का ऑप्शन दिखता होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर वाटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर वाटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब आपके यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं वो आपको सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों सिंपली आपके यहाँ पर जो भी ऑपरेटर लगता है आपको अपना यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। भारत के जितने भी यहाँ पर जल विभाग के यहाँ पर जल निगम के जो यहाँ पर ऑपरेटर है वो आपको सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सबकी प्रोसेस सेम है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर बिल पेमेंट करने के लिए यहाँ पर से कुछ डिटेल मांगता है। चलिए वो डिटेल क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ मुझसे पूछ रहा है अपना कंज्यूमर नंबर यहां पर एंटर कीजिए। तो दोस्तों कंज्यूमर नंबर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने जब कनेक्शन लिया होगा या दोस्तों आपके घर कभी बिल आया होगा तो आपको एक रिसिप्ट के तौर पे एक स्लिप मिली होगी, रसीद मिली होगी, उसमें आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा। और कंज्यूमर नंबर डाल के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका जितना भी बिल ड्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आगे आपको पे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका जितना भी अमाउंट है उस पे करेंगे, पे करने के बाद में आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद में आपका जो यहाँ पर बिल पेमेंट है इजिली यहाँ पर सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में आपको यहाँ पर जो है आप स्ट्रीम जाएंगे, स्ट्रीम जाके अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं ताकि आप जो है यहाँ पर प्रूफ के लिए रख सकते हैं कि आपने जो अपना वाटर बिल पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी का जैसे कि कोई और ऑपरेटर लगता है तो इसमें जो है आपसे ज्यादातर कंज्यूमर नंबर मांगता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर इसमें आते हैं जिसमें दोस्तों आपसे जो है हो सकता है यहाँ पर साइड कोड मांग ले। तो जो सारी जानकारी आपसे जो भी डिटेल मांगेगा वो आपको यहाँ पर आपके स्लिप पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर जो है पेमेंट करने का। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।